DBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री प्राइमरी टू क्लास 12 फॉर ऑल सब्जेक्ट्स 100% फर्स्ट डिविजन इन 10th बोर्ड 50% डिस्काउंट फॉर गर्ल्स DBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल नियर तबीजी फार्म रोड अजमेर। अजमेर जिले में एक बार फिर कोरोना का ब्लास्ट देखने को मिला है। शहर में एक कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत के साथ ही जिले में 15 मामले सामने आए हैं। महिला की मौत के साथ ही जिले में मौत का आंकड़ा 19 तक पहुंच गया है। जेएलएन अस्पताल कोविड-19 वार्ड प्रभारी डॉक्टर संजीव माहेश्वरी ने बताया कि कोरोना वायरस का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, इसके लिए लोगों को सजग रहने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि जेएलएन मेडिकल कॉलेज में जिले के 15 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जो ब्यावर पुष्कर के साथ शहर के अलग अलग इलाकों के हैं। इन सभी को लेकर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग अपनी कार्रवाई में जुटा हुआ है। वहीं संक्रमित हॉस्पिटल में सभी का इलाज किया जा रहा है। इसके साथ ही अजमेर की रहने वाली 52 वर्षीय महिला की मौत हुई है, जिसके सैंपल के बाद वह पॉजिटिव आई है। उन्होंने बताया कि महिला को उनके परिजन जेएलएन अस्पताल से कुछ दिन पहले ले गए थे और एक निजी अस्पताल में इलाज नहीं होने पर उसे फिर से जेएलएन अस्पताल लाया गया, जब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। डेड बॉडी का सैंपल लिया गया तो वह पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद उनका कोरोना गाइडलाइन के अनुसार अंतिम संस्कार किया गया है। अजमेर संक्रमण वार्ड में 26 पॉजिटिव भर्ती हैं, जिनमें से एक को वेंटिलेटर पर और 6 को ऑक्सीजन पर रखा गया है। इसी के साथ ही सस्पेक्ट वार्ड में 43 मरीज भर्ती हैं, सभी को पर्याप्त चिकित्सकीय सुविधाएं दी। अभी हमारे पास में जो रिपोर्ट आई है उसमें जिले में 15 पेशेंट पॉजिटिव आए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हम 11 तो पेशेंट जो हैं अजमेर जेएलएन में आएंगे आएंगे। एक मैसेज मिला है कि एक पेशेंट शायद ब्यावर से भी पॉजिटिव होकर वो हमारे पास आएगा, तो इस तरीके से कुल 12 पेशेंट हमारे पास एक्सपेक्टेड हैं कि भर्ती होंगे। और ये जो 12 पेशेंट हैं ये अजमेर के जो 11 पेशेंट हैं विभिन्न स्थानों के हैं। 2 पेशेंट नज़ीराबाद के हैं, वो हस्बैंड वाइफ हैं। 2 पेशेंट संस्कार नगर कॉलोनी के हैं, वो हस्बैंड वाइफ हैं। 1 पेशेंट पहाड़गंज का है, 1 पेशेंट घी मंडी अजमेर का है, 1 पेशेंट कोटड़ा का है, और इस तरीके से शहर के विभिन्न स्थानों से लोग हैं हमारे पास में। अनफॉर्चुनेटली एक पेशेंट हमारे पास में जो कल भर्ती हुई थी सस्पेक्ट में, घी मंडी अजमेर की 52 वर्षीय महिला थी, हमारे पास भर्ती हुई थी लेकिन अटेंडेंस सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्होंने कहा था हम इनको बड़ी जगह ले जाना चाहते हैं, फिर बाद में पता लगा वो बड़ी जगह न ले जाके शहर के किसी निजी चिकित्सालय में गए। उस निजी चिकित्सालय में शायद उनको कोई इंजेक्शन वगैरह लगा के उनको कहा कि उनको वहाँ मैनेज नहीं कर सकते हैं, तो फिर वो वापस कुछ कन्फ्यूजन में अपने को घर ले गए या कुछ ऐसा हुआ, वो डिटेल हमें पता नहीं। लेकिन जब दोबारा वो अस्पताल में आए तब तक उन महिला की मृत्यु हो चुकी थी। सस्पेक्ट थी हमारे पास रिपोर्ट नहीं थी, हमने बॉडी को उनको मॉर्चरी में रखवाया कवर करके, और आज सुबह जब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो फिर उनको पूरे पॉजिटिव वाले प्रोटोकॉल से उनका अंतिम संस्कार अभी कर दिया गया है। इस तरीके से ये एक जो डेथ और जुड़ गई है तो कुल मिला के हमारी 19वीं डेथ है अजमेर जेएलएन मेडिकल कॉलेज की। और अभी हमारे पास 26 पेशेंट पॉजिटिव वार्ड में भर्ती हैं, उन 26 में से 1 पेशेंट वेंटिलेटर पर है, 6 पेशेंट को ऑक्सीजन दी जा रही है। वेंटिलेटर वाला पेशेंट हमारे हिसाब से बहुत सीरियस होता है, उनकी हम पूरी केयर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश जारी है, जैसा भी होगा हम आपको कवर करेंगे। सस्पेक्ट वार्ड में हमारे पास 43 पेशेंट हैं और उनकी रिपोर्टें आनी बाकी हैं, जैसा भी प्रोटोकॉल होगा फिर आगे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक।